वेलकम पेरेंट्स एंड माय डियर चिल्ड्रन, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में आप सभी ने मेरी आ और ई की मात्राएं सीखी होगी। आज मैं ऊ की मात्रा से इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले बच्चों को ये बताना है कि ऊ की मात्रा, ऊ अक्षर की पहचान करवानी है और उसकी मात्रा कैसी होती है, ये कहाँ लगाई जाती है और इसे किस प्रकार बोलते हैं। हिंदी में मात्राएं स्वर की ध्वनि का प्रतीक होती है। जब ये व्यंजन में लगाई जाती है तो उसकी आवाज या ध्वनि बदल जाती है। यहाँ हम देखेंगे कि ऊ की मात्रा ये है ऊ। बच्चों को सबसे पहले ऊ की पहचान करवानी है, ऊ अक्षर की, और ऊ अक्षर की मात्रा व्यंजन के नीचे की ओर लगती है। ये है ऊ अक्षर का चिन्ह, ऊ की मात्रा। ये कुछ इस प्रकार होती है, इस प्रकार आप हाथों के इशारे से भी समझा सकते हैं। ये है ऊ की मात्रा, छोटी लिखी, और ये बड़ी ऊ, ये इस साइड लगती है। ये राइट से लेफ्ट और ये लेफ्ट से राइट। छोटी ऊ की मात्रा को राइट से लेफ्ट, दाईं से बाईं ओर की तरफ लगाएंगे। जब हम इसे किसी व्यंजन के आगे लगाते हैं, ये हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है। जब इसे व्यंजन के साथ लगाते हैं तो ये इस प्रकार नीचे की तरफ लगेगी। और इसे पढ़ेंगे का में ऊ की मात्रा ऊ, अगर खा में हमने ऊ की मात्रा लगाई तो बन गया ऊ। गा में लगाने से इसे क्या पढ़ेंगे, ऊ। और ना में अगर छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा नू। ये आप देखेंगे कि यहाँ हमने राइट से लेफ्ट की तरफ लगाया है, ये ऊ की मात्रा का चिन्ह है। अब यहाँ मैंने दो अक्षरों वाले शब्द लिखे हैं। पा में छोटी ऊ ऊ ल पुल, खा में छोटी आ ऊ खु श खुश, गा में छोटी ऊ ऊ ड गुड़। यहाँ तीन अक्षरों वाले शब्द लिखे हैं मैंने, इन सभी में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसे ध न ऊ श धनुष, द ऊ का आ न दुकान, ज आ म ऊ न जामुन। यहाँ चार अक्षर वाले शब्द हैं, ब ऊ ल बुल, ब ऊ ल बुल बुल बुल, ल ह स ऊ न लहसुन, ग ऊ प गुप, च ऊ प चुप गुप चुप। यहाँ सभी अक्षरों में मैंने ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है। दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले और चार अक्षरों वाले शब्दों को आप जितना ज्यादा पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे उतनी ज्यादा ये मात्रा क्लियर हो जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।